sure. This is Nachojo and today's topic is elasticity of demand, in which we will discuss what is elasticity and different methods of calculating elasticity, its formula. Along with that, we will discuss degree of elasticity. Let us start. What is elasticity? Elasticity is a concept in economics that talks about effect of change in one economic variable on the other. As we know, simple meaning में we say this thing is elastic means stretch हो रही है, means अपनी shape को change कर सकती है. तो elasticity यही है, change आएगा एक economic variable में due to change of other. एक economic variable क्यों change हो रहा है? क्योंकि कोई और change हुआ, उसकी वजह से उसका effect उसके ऊपर पड़ा. So this is elasticity means कि वो change जो variation है उसमें आ सकती है. So elasticity of demand क्या है? कितनी वेरिएशन डिमांड में आएगी, उसकी क्वांटम. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन द अदर हैंड स्पेसिफिकली मेजर्स द इफेक्ट ऑफ चेंज इन एन इकोनॉमिक वेरिएबल ऑन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ प्रोडक्ट. एक इकोनॉमिक वेरिएबल चेंज हुआ, उसका इफेक्ट हमारी क्वांटिटी डिमांडेड, एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी पे कितना पड़ा, मींस क्वांटम. हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली डायरेक्शन की बात नहीं करें, क्वांटम की बात करें, क्वांटिटी. There are several factors that affect the quantity demanded for a product, such as income levels of people, price of product, price of other products in the segment, and various other factors. As we know, demand is function of numerous factors: price of the particular product, along with that, price of related goods, income of the consumer, advertisement, and preference, taste. Season, change in the season. So we have numerous factors that affect demand of a particular. So due to change of any of these variables, what's the effect on quantity demanded? That is elasticity. Now, mind में एक चीज आई होगी, law of demand भी तो ये कहता है price change हुआ तो demand change हो गई, या हम क्या करते हैं shift in demand का क्यों हो रहा है, because बाकी factors change हो गए तो demand का outward shift हो गया, inward shift हो गया. So we have studied already change in demand curve, and we have studied change in quantity demanded. We have studied law of demand. तो थोड़ा सा confusion होगा कि elasticity exactly क्या चीज measure कर रही है. So law of demand है क्या? According to law of demand, there is inverse or negative relationship between what demand and price of a commodity. Practice variables. That is other things being constant. It means बाकी चीजें सेम रहेंगी, सब प्राइस चेंज होने के साथ क्या होगा, डिमांड पे कौन सा इफेक्ट होगा, नेगेटिव. प्राइस ऊपर गया तो डिमांड क्या जाएगी, नीचे. प्राइस डाउन गया तो डिमांड क्या जाएगी, ऊपर. मींस कि प्राइस जिस डायरेक्शन में जा रहा है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या जा रही है, डिमांड. सो दिस इज लॉ ऑफ डिमांड मींस नेगेटिव रिलेशनशिप. इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, डिमांड ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन प्राइस ऑफ x. मींस कि किसके प्रोपोर्शनल है, कि अगर तो प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड कम हो जाएगी, अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी सेम प्रोडक्ट की. बाकी चीजें लेकिन सेम रहनी चाहिए, ये assumption है हमारी. बट व्हेन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट चेंजेस बाय हाउ मच और लेस विल कंज्यूमर बाय. अब डायरेक्शन तो क्लियर हो गई कि डिमांड ऊपर जा रही है, डिमांड नीचे जा रही है, दिस इज डायरेक्शन. बट कितनी क्वांटिटी से है, बाय हाउ मच, कितनी बड़ी, कितनी डिक्रीज हुई, उसके लिए वी हैव इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द एक्सटेंट टू व्हिच क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी, पर्टिकुलर कमोडिटी, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इन रिस्पांस टू इंक्रीज और डिक्रीज इन इट्स प्राइस, द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और अ चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर. अब क्वांटिटी डिमांडेड हम एक चीज पे डिपेंड नहीं रख रहे हैं, प्राइस चेंज हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी चेंज हुई, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स चेंज हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी चेंज हुई, इनकम चेंज हुई तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी चेंज हुई. सभी फैक्टर्स को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करती है, लेकिन अब वो कंसेप्ट अलग अलग हो जाते हैं. कैसे? वी विल फर्स्ट डिस्कस ब्रॉडली द डिफरेंस बिटवीन लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब मीनिंग की बात करें तो लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड इट्स डिमांड. मींस के सब प्राइस और डिमांड में जो रिलेशनशिप है, दैट इज नेगेटिव रिलेशनशिप. इलास्टिसिटी क्या करती है, It measures the extent to which quantity demanded of a commodity increased or decreased due to change in price of good, income or price of related good. या तो इनकम चेंज हुई या प्राइस चेंज हुआ या प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स चेंज हुआ, मींस तीनों चीजों का ध्यान रखती है वो, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड सब प्राइस को ध्यान रखती है। नाउ नेचर की बात करें तो लॉ ऑफ डिमांड इज क्वालिटेटिव इन नेचर। क्वालिटेटिव मींस अब ये क्वांटिटी नहीं बता रही, बस बता रही है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अपवर्ड है डाउनवर्ड है, ठीक। लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन नहीं, यहाँ पे क्या क्वांटिटी पता चल रही है कि कितने परसेंट से ये इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, कितने परसेंट प्राइस में वेरिएशन आई तो कितने परसेंट डिमांड में वेरिएशन आ गई, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या इंडिकेट करता है, इनवर्स रिलेशनशिप मींस नेगेटिव रिलेशनशिप। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या शो करता है, देयर मे बी पॉजिटिव रिलेशनशिप और नेगेटिव रिलेशनशिप, मींस दोनों चीजें बताता है कि बाकी फैक्टर्स के साथ भी तो ध्यान में रखता है ना इस चीज को कि बाकी फैक्टर्स चेंज हुए तो हो सकता है किसी फैक्टर के साथ का पॉजिटिव रिलेशनशिप है, किसी फैक्टर के साथ का नेगेटिव रिलेशनशिप है। इनकम कंज्यूमर की बढ़ जाएगी तो डिमांड क्या होगी, नेचुरली इंक्रीज होगी, तो दिस इज पॉजिटिव रिलेशनशिप। अब एक्सेप्शंस की बात करें तो लॉ ऑफ डिमांड की कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पे लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता, इट इज नॉट एप्लीकेबल, जैसे वैगुलर गुड्स या आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। एंटीक चीजों की बात कर लेते हैं, जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा हमें क्या होगी उसकी और डिमांड हम करेंगे so that हमारी कलेक्शन में वो चीज ऐड हो जाए, स्टेटस सिंबल की चीज हम कहते हैं, तो उसकी डिमांड ज्यादा होती है, चाहे उनका प्राइस बढ़ता जाए और बढ़ेगा प्राइस, तो उससे हम सोचते हैं कि ये चीज आम बंदों की रीच से बाहर है तो इट विल मेक डिस्टिंक्शन, तो इसीलिए हम क्या करते हैं उसकी डिमांड बढ़ा देते हैं। फिर इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर, समटाइम कंज्यूमर इग्नोरेंट है तो भी उसे नहीं पता कि प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड कम करनी है, जो बहुत ही इंफीरियर क्वालिटी की गुड्स होती हैं उस केस में जब उसका प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। सो लॉ ऑफ डिमांड की कुछ एक्सेप्शन, लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की ऐसी कुछ एक्सेप्शन नहीं है, ये हर जगह एप्लीकेबल है, रीजन भी ये काफी न्यूमरस फैक्टर्स को ध्यान में रखता है। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को एग्जैक्टली कैसे डिफाइन करें, इसको ईडी भी शो कर देते हैं हम रिटर्न में। इट इज डिफाइंड एज रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू चेंज ऑन one of the variables on which demand depends, means की demand किसका function है, numerous factors का। अब जिन factors के ऊपर demand depend करती है, mean determinants of demand जो हैं, उनके change आने पे demand का response क्या है, कितना percentage से वो change हो रही है positive negative, तो उसको हम बोलेंगे elastic demand। It is means it is responsiveness of quantity demanded। अब it measures what a change in its own price, प्रोडक्ट की अपने प्राइस में चेंज हुआ तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या मेजर करेगी, डिमांड में कितना चेंज आया। वैसे बेसिकली जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात कर लेते हैं कि प्राइस चेंज होने के साथ डिमांड में कितना चेंज आया, कितना क्वांटम में क्वांटिटी में चेंज आया। फॉर्मूला क्या है इसका, कोएफिशिएंट हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कैसे फाइंड आउट करेंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड divided by percentage change in price, means quantity demanded ऊपर रखोगे और प्राइस को नीचे रखोगे, परसेंटेज चेंज में आएगा। इट मींस जो कोएफिशिएंट आप फाइंड आउट करोगे वो किसमें होगा, हमेशा परसेंटेज में। वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पहले है प्राइस इलास्टिसिटी, ये क्या मेजर करेगा, वेरिएशन इन डिमांड ड्यू टू वेरिएशन इन प्राइस ऑफ गुड, प्राइस के साथ चेंज होने से डिमांड चेंज हुई तो प्राइस इलास्टिसिटी होगी। इनकम इलास्टिसिटी, जब नेम से क्लियर होगा ना, इनकम मतलब कंज्यूमर, इससे क्या होगा इनकम जब चेंज होगी तो डिमांड में सर्टेनली कुछ चेंज आएगा, दैट इज इनकम इलास्टिसिटी। फिर आई क्रॉस इलास्टिसिटी, जब रिलेटेड गुड्स सब्स्टिट्यूट गुड्स जो है उनके प्राइस वेरी कर रहे हैं तो क्या होगा, क्रॉस इलास्टिसिटी आएगी। अब प्राइस इलास्टिसिटी क्या है, इलास्टिसिटी और रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड इन अ मार्केट इज ग्रेट और स्मॉल अकॉर्डिंग as the amount demanded increases much or little for a given fall in price and diminishes much or little for a given rise in price। Alfred Marshall ने बोला कि price elasticity of demand क्या है, प्राइस अगर राइज हुआ तो कितने क्वांटम से उसकी डिमांड डिमिनिश हो गई, या प्राइस अगर फॉल हुआ तो उसकी डिमांड कितने क्वांटम से इंक्रीज हो गई, ये क्या हमारा elasticity of demand। उसका फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब यही आपका परसेंटेज मेथड है, प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड is divided by proportionate change in price. Proportionate change कैसे निकालेंगे हम? हमारे पास पर्टिकुलर फॉर्मूला गिवन है, जैसे अभी हमने बोला दिस इज सिंबल ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या आप ऐसे भी मेंशन कर सकते हो या जर्नली हम एन से भी मेजर कर देते हैं इलास्टिसिटी। सो परसेंटेज चेंज, दिस इज परसेंटेज, दिस इज सिंबल ऑफ चेंज, Q stands for quantity demanded, means percentage change in quantity demanded upon percentage change in price of that particular good. अब quantity demanded में change कैसे निकालोगे? Quantity जो demanded थी new minus old upon old into 100 होगा ये upon price of new minus price of old, means नया price और पुराना price upon old price. तो इसको हम नेगेटिव रेशियो कर देते हैं, बिकॉज लॉ ऑफ डिमांड कहता है प्राइस इंक्रीज होने के साथ क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी, ये बात अंडरस्टूड है। तो ये हमेशा परसेंटेज में ही होगी, परसेंटेज डिमांडेड है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 100 होगा ही होगा, ठीक। तो इसको हम जनरली ऐसे भी लिख सकते हैं, प्राइस अपॉन क्वांटिटी मींस पुराना प्राइस और पुरानी क्वांटिटी कितनी थी ये, जब आप अब इसको रिवर्स करोगे ये प्राइस ऑफ ओल्ड ऊपर चला गया, क्वांटिटी डिमांडेड नीचे आ जाएगी ऐसे, और ये जो चीज है दिस इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये जो चीज है न्यू माइनस ओल्ड प्राइस चेंज इन प्राइस। तो आपको अब आप देखो तो ये नेगेटिव में आएगा इसका सिंबल और साइन इसका नेगेटिव में आएगा, पी ओवर क्यू इंटू चेंज इन क्यू ओवर चेंज इन पी। आप ऐसे फॉर्मूला देखोगे तो आपकी परसेंटेज मेथड में आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर कर सकते हो, मींस क्वांटिटी एग्जैक्ट फिगर्स में आप मेजर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अब लेट अस स्टार्ट, फॉर्मूला एज वी नो इनिशियल प्राइस ओवर इनिशियल क्वांटिटी इनटू चेंज इन क्वांटिटी ओवर चेंज इन प्राइस। अब इनिशियल प्राइस ये है, इनिशियल क्वांटिटी ये, अब इसमें चेंज इन प्राइस आ गया हमारा 4 और 2 का डिफरेंस 2, और चेंज इन क्वांटिटी में डिफरेंस आ गया हमारा 10 और 5 का डिफरेंस 5, और आपको ये पता है इसके आगे नेगेटिव साइन शो होगा। तो इनिशियल प्राइस है हमारा 2, क्वांटिटी डिमांड कितनी है 10, इनिशियल मींस ओल्ड वन, तो चेंज कितना है क्वांटिटी डिमांड में 5 और प्राइस आ गया 2, तो ये कितना हो गया 1.2 मींस 0.5, लेकिन इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ही परसेंटेज में आएगा ना ये, तो ये कितना आ गया आपका इनटू 100, तो आपका 50% नेगेटिव में चला गया। इसको माइनस में शो करोगे आप, माइनस 50% मींस कि प्राइस बढ़ने के साथ डिमांड आपकी 50% क्या होगी, रिड्यूस होगी यूजिंग परसेंटेज मेथड। अब ये तो प्राइस क्या हो गया था, इंक्रीज हुआ, डिक्रीज का केस देख ले। अब लेट अस सी, अब देखो प्राइस 4 से 2 हो गया, क्वांटिटी 5 से 10 होगी, मींस प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी हो गई इंक्रीज। तो इस केस में आपका क्या आ रहा है, इनिशियल पी है 4 अपॉन क्वांटिटी 5 इंटू चेंज इन प्राइस अपॉन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन 2, मींस कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए पी अपॉन क्यू इंटू चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी, दिस इज द फॉर्मूला। तो इस केस में अगर आप देखो तो आपकी आ रही है 2% ओनली, ठीक है, तो अदरवाइज आ रही थी 5%, 50%। तो आप देखो एक चीज कि जब आप कर रहे हो अपना अकॉर्डिंग टू व्हाट, प्राइस इंक्रीज के अकॉर्डिंगली, एक चीज आपने नोटिस की फिगर्स आर सेम बट रिवर्स कर दिया, तो ये इसकी एक लिमिटेशन भी हम बोलेंगे कि जब हमारे फिगर्स रिवर्स हो जाती हैं तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड की इलास्टिसिटी का कोएफिशिएंट जो आएगा वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब प्राइस बढ़ने के साथ हमारी इलास्टिसिटी 2% आ रही है, प्राइस कम होने के साथ इलास्टिसिटी 50% थी, अब फिगर्स तो वही रही ना 2, 4, 10, 5, 4, 2, 5, 10 मींस रिवर्स कर दी। तो ये इसका एक क्रिटिसिज्म आ जाता है कि ये फॉर्मूला दिस इज नॉट पर्टिकुलरली गुड, तो इस केस में हमें इनिशियल डिमांड की बजाय न्यू डिमांड लेनी चाहिए। तो न्यू डिमांड लेकर भी आप वैल्यूज फॉर्मूले में फाइंड कर सकते हो, इनिशियल डिमांड लेते हो तो आपका क्रिटिसिज्म बन जाता है, तो इसलिए इन्होंने फिर फॉर्मूला चेंज किया कि हम क्या करेंगे, न्यू डिमांड लेंगे, न्यू प्राइस लेंगे। तो न्यू डिमांड और न्यू प्राइस के केस में क्या हो जाएगा हमारा, न्यू प्राइस हमारा ये 4 बन जाता है, न्यू डिमांड ये 5 बन जाती है, ठीक है। तो इस केस में आप चलेंगे, यहाँ आप मिनिमम डिमांड या मिनिमम प्राइस ले सकते हैं। ये फॉर्मूला इन्होंने इंप्रूव किया अपनी तरफ से, अदरवाइज आप फॉर्मूला इसी के साथ चलो, जिसके आगे आप नेगेटिव का सिंबल जरूर लगाओगे, नेगेटिव साइन। सो ये थी हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब नेक्स्ट, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है कितनी डिग्री से चेंज होती है, कैसे जाती है, पॉजिटिव में जाती है, नेगेटिव में जाती है, ऊपर जाती है, डिमांड पर नीचे जाती है। तो वी हैव 5 डिग्रीज, परफेक्टली इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। अब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व है क्या? व्हेन अ लिटिल चेंज इन प्राइस कॉजेस इनफिनाइट चेंज इन डिमांड। कोई भी प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें क्या हो रहा है, थोड़ा सा प्राइस में चेंज हुआ माइनस था, लेकिन हमारी डिमांड में इनफाइनाइट चेंज आ गया, तो वहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी होगी इन्फिनिट। परफेक्ट इलास्टिक डिमांड कर्व में हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी इन्फिनिटी। केस क्या है, प्राइस चाहे इंक्रीज हुआ, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, डिमांड हमारी जीरो भी हो सकती है, प्राइस थोड़ा सा कम हो गया, फिर डिमांड इंक्रीज होगी, इन्फिनिटी तक भी जा सकती है, कम से बहुत ज्यादा। तो इस केस में डिमांड कर्व हमेशा हॉरिजॉन्टल होगा एंड पैरेलल टू एक्स-एक्सिस होगा। और असम्पशन ये है कि ये डिमांड कर्व परफेक्ट कंपटीशन में फाइंड किया जाता है, परफेक्ट कंपटीशन, ये असम्पशन है। लेट अस सी, दिस इज प्राइस, दिस इज क्वांटिटी डिमांडेड हियर एंड दिस इज आवर ओरिजिन पॉइंट। ऑन दिस ओ पी डैश प्राइस डिमांड कर्व इज डीडी, डिमांड कर्व होता हमारा, तो क्या होगा, इट इज हॉरिजॉन्टल मींस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब प्राइस हमारा सेम है, तो डिमांड हमारी कितनी हो गई, सेम टाइम, सेम प्राइस पे हमारी डिमांड 100 भी जा सकती है, सेम डिमांड प्राइस पे हमारी डिमांड 200 भी जा सकती है। हाँ, अगर थोड़ा प्राइस कम हो जाए तो डिमांड जीरो भी हो सकती है, प्राइस में बिल्कुल थोड़ा सा चेंज आने से डिमांड जीरो भी हो सकती है। तो वी कैन से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है, इनफिनाइट है, मींस कि कितनी भी परसेंटेज से वो चेंज हो सकती है। और ये किस केस में होगा, परफेक्ट कंपटीशन के केस में, और इसमें डिमांड कर्व हमेशा हॉरिजॉन्टल होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। ये ज्यादा कंडीशन, दिस इज शेप ऑफ डिमांड कर्व, मींस के स्लीपिंग लाइन जैसे बोल देते हो, हॉरिजॉन्टल। इसके बाद आता है इनइलास्टिक, इलास्टिक से बिल्कुल ऑपोजिट इनइलास्टिक। इनइलास्टिक मींस इसमें वेरिएशन नहीं आती है डिमांड में, मींस प्राइस कम हो रहा है, बढ़ रहा है, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, डिमांड क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी जीरो, डिमांड में चेंज नहीं आएगा कोई, तो वो जीरो है। सो इस केस में डिमांड कर्व कैसे है आपका, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, वर्टिकल हो गया यहाँ, ठीक है, डीडी डिमांड कर्व। वैसे ये बोलो कि इमेजिनरी ही सिचुएशन है, ऐसे बहुत ही ज्यादा कोई चांस होगा कि किसी प्रोडक्ट में प्राइस उसका जितना मर्जी इंक्रीज हो जाए तो डिमांड उसकी सेम ही, अगर प्राइस पी था तो डिमांड सेम थी, वही 5 यूनिट्स, अब प्राइस P1 हो गया, डिमांड अभी भी सेम है, तो इट मींस हमारी डिमांड में कोई चेंज नहीं आया, प्राइस जितना भी बढ़े या कम। दिस इज नोन एज इनइलास्टिक डिमांड, इनइलास्टिक। अब यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, नेम से क्लियर है, यूनिटरी मींस 1, तो यहाँ पे हमारी डिमांड कर्व में इलास्टिसिटी कितनी होगी, 1 stands for what? कि हमारा we know elasticity of demand का ये ही है ना, percentage change in quantity demanded and percentage change in price, means कि जितना quantity demanded में change आया उतना ही price में change आया, means इसमें अगर 10 change आया इसमें भी 10 change आया, इतना चीज आप ध्यान रखो। तो percentage change in price brings equal percentage change in demand, ठीक, तो change in price is equal to change in demand, तो इसीलिए ये 1, इसके काट दोगे यहाँ पे तो 1 ही आ जाएगा ना। तो ये हमेशा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा डिमांड कर्व। अब ये रियलिस्टिक है बिकॉज कंफर्ट जोन के अंदर जो हमारी गुड्स आती हैं, लाइक स्कूटर्स हैं, बाइक्स हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स हैं, रेफ्रिजरेटर, ये कंफर्ट है, ठीक, मींस कि ये हमें क्या चाहिए, एक तो होती है हमारी नेसेसरी गुड्स होती है कि हमें रोटी कपड़ा मकान तो हमें जीने के लिए चाहिए ही चाहिए, ठीक। उसके बाद आती है कि उसके अलावा हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए कुछ चाहिए, जैसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगर अपना स्कूटर हो तो इजीली हम अपनी जॉब पे जा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। रेफ्रिजरेटर हो तो काफी चीजें हम स्टोर भी करके रख सकते हैं, गर्मी में ठंडा पानी पी सकते हैं, आइसक्रीम वगैरह उसमें रेफ्रिजरेट कर सकते हैं। तो कुछ चीजें हैं जो हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाती है, दीज आर कंफर्ट्स। तो कंफर्ट्स के केस में डिमांड कर्व जो होता है यूनिटरी इलास्टिक होता है। तो लेट्स सी इट्स शेप। अब यहाँ पे से दिस इज प्राइस, दिस इज क्वांटिटी, अब दिस इज प्राइस, दिस इज क्वांटिटी। अब P प्राइस पे क्वांटिटी है Q, P1 पे हो गई Q1। तो ये हमारा डिमांड कर्व वैसे बनेगा इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके, ये हमारा डी डिमांड कर्व है। अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का एक रीजन है, रीजन बी, दिस इज द एरिया इन फर्स्ट केस, इसका जो भी एरिया होगा इट विल बी इक्वल टू दिस एरिया नाउ विद चेंज इन डिमांड। इट मींस जब भी डिमांड चेंज, प्राइस और डिमांड चेंज होंगे, जो भी एरिया डिमांड कर्व के अंदर आएगा उसका क्या होगा, एरिया विल बी इक्वल, रेक्टेंगुलर होगा लेकिन एरिया उसका सेम रहेगा। तो दैट इज व्हाई वी से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज वन, और इससे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलेंगे। हमेशा ध्यान में रखो कंफर्ट्स के केस में यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होगी, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा तो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व में आपको पूछा जाए नेसेसिटीज, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज, या आपको पूछा जाए स्कूटर और डायमंड्स एंड सॉल्ट, तो उस केस में आप किस स्कूटर को चूज करोगे, यूनिटरी इलास्टिक। उसके बाद रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। अब इनइलास्टिक का मतलब ये है कि चेंज कम हो रहा है, तो चेंज कम हो रहा है तो उस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, कम होगी। परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो ये लेस देन 1 होगी। कैसे, एज वी नो फॉर्मूला क्या है, ऊपर क्वांटिटी डिमांडेड नीचे प्राइस। अगर क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आया 10 और प्राइस में चेंज आया 100 तो ये 0.10 हो गया, ये 1 से कम हो गया, ठीक। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी मोर देन 1, लेस देन 1 और इक्वल टू 1। अब इस केस में डिमांड कर्व स्टीपर होगा, और किस केस में होगा, ये नेसेसिटी बेस्ड। जैसे सॉल्ट है, शुगर है, खाना ही खाना है, ऑयल है, कुकिंग ऑयल है, यूज करना ही करना है, फ्लोर है, ठीक, तो व्हीट, राइस, ये चीजें तो हमें चाहिए। तो इस केस में हमारा डिमांड कर्व क्या होगा, थोड़ा स्टीपर होगा, स्टीप मीन्स ऐसे। अब देखें आप, प्राइस पी से P1 हो गया, इंक्रीज हो गया इतना, ठीक है, और डिमांड जो है हमारी Q से Q1 मीन्स कम ही चेंज हुई, बिकॉज सॉल्ट का प्राइस अगर 5 से 10 हो जाता है तो डिमांड थोड़ी सी कम होगी जरूर, लेकिन ज्यादा कम नहीं होगी। तो इस केस में ये हमारी होगी इनइलास्टिक डिमांड, लेस डिमांड। इक्वेशन आपको पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए, इनइलास्टिक डिमांड है, किस केस में होगी, नेसेसिटी गुड्स के केस में होगी, लेस डिमांड। अब इलास्टिक डिमांड ये लग्जरीज के केस में होगी, ग्रेटर देन 1 है, जब डिमांड परसेंटेज चेंज इन डिमांड परसेंटेज चेंज इन प्राइस से ज्यादा होगी, तो उस केस में हमारा डिमांड होगी रिलेटिवली इलास्टिक। तो इस केस में थोड़ा फ्लैट होगा हमारा डिमांड, मींस प्राइस में थोड़ा सा चेंज आने से डिमांड में चेंज ज्यादा आ जाता है, ठीक है, मींस प्राइस थोड़ा कम हुआ, डिमांड ज्यादा बढ़ गई। तो इस केस में डिमांड में चेंज ज्यादा आएगा, प्राइस में कम आएगा, ये थोड़ा सा फ्लैट होगा हमेशा। और लग्जरीज के केस में होगा रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। सो वी हैव डन डिग्रीज ऑफ डिमांड कर्व, जिसमें 5 हैं, इनइलास्टिक, इलास्टिक, परफेक्टिव, रिलेटिवली एंड यूनिटरी इलास्टिक। अब कुछ फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिपेंड करती है, नेचर, कमोडिटी। जैसे बोला नेसेसिटीज के गुड्स में क्या होगा, ये इनइलास्टिक होगी, लेकिन लग्जरी के केस में इलास्टिक है। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, जितने अवेलेबल होंगे सब्स्टिट्यूट उतनी ही इलास्टिक डिमांड होगी, बिकॉज आपको क्या है कि आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर सकते हो अगर एक की प्राइस चेंज हो रही है। वैरायटी ऑफ यूजेस अवेलेबल हैं तो इलास्टिक होगी डिमांड, क्यों, क्योंकि जब उसकी प्राइस कम होगी आप दूसरे यूजेस में भी उसे डाल सकते हो, तो आप क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज कर लोगे। पोस्टपोन कर सकते हो डिमांड को, तो भी ये इलास्टिक ही रहेगी, बिकॉज आज प्राइस बढ़ गया तो आप पोस्टपोन कर लोगे उसके यूजेस को, तो डिमांड कम कर दोगे। इन्फ्लुएंस ऑफ हैबिट्स, हैबिटुअल है बंदा किसी चीज को लेकर तो क्या होगा, डिमांड इनइलास्टिक हो जाती है, बिकॉज उसे वो कंज्यूम करनी ही करनी है, जैसे एल्कोहल या लिकर। प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड, अगर तो आपकी इनकम का ज्यादा पोर्शन उस चीज पे स्पेंड हो रहा है तो डिमांड आपकी इलास्टिक होगी। रीजन बीइंग प्राइस चेंज होने से आपका बजट इफेक्ट होगा। अगर थोड़ी सी इनकम उस पर स्पेंड कर रहे हो तो प्राइस चेंज होने से ज्यादा बजट में ज्यादा रेफन नहीं आएगा। तो क्या होगा, उससे आपकी डिमांड इनएलास्टिक हो जाएगी। रेंज ऑफ प्राइसेस पे भी डिपेंड करता है। समटाइम लग्जरी गुड्स है तो उनकी डिमांड क्या हो जाती है, हाईली इलास्टिक होती है। जॉइंट डिमांड के केस में क्या होगा, इनएलास्टिक होगी। जैसे हमें कार चलानी है तो कार के लिए पेट्रोल चाहिए, तो पेट्रोल की डिमांड है इनएलास्टिक। जॉइंट डिमांड के केस में क्या होगा, हमारी डिमांड इलास्टिक होगी। सो दीज आर द फैक्टर्स दैट इफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। So this is all about elasticity of demand. Thank you.